हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो में करने वाले हैं फोटोशूट। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं फोटोशूट के लिए वापस आया हूँ। आज बेसिकली मौसम बहुत ही प्यार हो चुका है, मतलब बारिश अभी भी होगी हटी है, एंड इसलिए मैंने सोचा शूट पर निकले। मेरे को ये वाला डर भी था कि यार बारिश रस्ते में ना हो जाए, लेकिन थैंक गॉड रस्ते में हो रही थी, लेकिन जब हम पहुंचे तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है, ये है चंडीगढ़ सेक्टर 10 गेड़ी रूट सिट को बोलते हैं इसको शायद। एंड यहाँ पे एक कैंटीन है जो कि अभी बंद पड़ी है, हमने सोचा ना यहीं पे शूट कर लें क्योंकि यहाँ पे बहुत मस्ती वाली फ्रेमिंग्स है। यहाँ पे बहुत सारे कैफे वाले सीन हमारे आ सकते हैं, एंड ये स्टेयर केस भी है, और मतलब काफ़ी प्यारा एक गार्डन टाइप है। इसके अलावा और भी बहुत मस्त यहाँ पे ट्रीज़ है, जहाँ पे बिल्कुल येलो येलो पत्तियाँ लगी पड़ी है, तो मतलब बिल्कुल मस्त है, एक ऑटम वाली फील आ रही है। तो यहाँ पे हम बहुत ही तगड़ा शूट कर सकते हैं। तो आई थॉट क्यों ना इस वाले शूट को ब्लॉग भी करूँ ताकि आप लोग भी देख पाओ एंड क्या क्या सेटिंग्स कैमरा में यूज़ करने वाले हैं, कैसी कैसी फ्रेमिंग करने वाले हैं, एंड क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट रहते हैं शूट के लिए, ये सारा कुछ आप भी समझ पाओ। सो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाली है, एंड आई होप कि हमारी फोटोज़ बहुत ही परफेक्ट आने वाली है, क्योंकि हमारे पास आज एक एक्स्ट्रा लाइट भी है। मेरा एक फ्रेंड हिमांशु, उसने एक न्यू लाइट लिया, उसको भी हम टेस्ट आउट करने वाले हैं, फ्लैश लाइट। एंड हाँ, बाकी तो नेचुरल लाइट वाले पोर्ट्रेट्स हम क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि लाइटिंग बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही मस्त। आज ना क्लाउडी क्लाउडी डे है, और ऐसे दिन में ना मतलब शूट बड़ा मस्त होता है। तो चलो शूट स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हम बहुत ही नेचुरल वाली फोटोज क्लिक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर बहुत मस्त है। एंड आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि यार फोटोज में आप जो टोन डिसाइड करते हैं, मतलब एडिटिंग के बाद वो कैसे डिसाइड करते हैं कौन से फोटो में कौन से टोन डालनी है। तो देखो, आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ। अब ये देखिए, बिल्कुल सी नेचुरल सी जगह है यहाँ पे, मतलब सब कुछ नेचुरल सा है। अब अगर देखो, ऐसी लोकेशन पर अगर मैं अपनी डार्क टोन डाल दूँ, ब्लैक टोन डाल दूँ, तो आई डोंट थिंक इतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सारा नेचर का जो व्यू है ये खराब हो जाएगा, जो ग्रीनरी हमें दिख रही है सब चीज़ें खराब हो जाएगी। तो ऐसे उसमें हम ना वो ऑटम वाली टोन अपने डाल सकते हैं, मतलब इन ग्रीन पत्तियों को हम येलो कर सकते हैं, या फिर इसको हम मूडी ग्रीन कर सकते हैं, और भी ऐसी मतलब जो नेचुरल कलर वाली टोन होती है उसको हम लगा सकते हैं। ज़्यादा आर्टिस्टिक जो कलर्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जिससे हमारे नेचर की जो कलर्स हैं ये और ज़्यादा इनहांस हो एंड फोटो हमारी और ज़्यादा अच्छी लगे, वो वाली टोन हम ऐसी फोटो में डालते हैं। पहला आइडिया मेरे पास कुछ ये है कि यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे ये जो बेंचेज हैं इन पर हम कुछ फोटोज़ क्लिक करें, एंड कुछ नेचर वाले कैफे को हम रेप्लिकेट करें, मतलब कैफे जो होते हैं पहाड़ों में उस टाइप की फोटो क्लिक करें। बट हाँ यार, कैफे बंद है तो कॉफ़ी भी नहीं ले सकते, पर चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। यस सर, कुछ ट्राई किया, सही तो है, पत्तियाँ मत करी नीचे गिरी नहीं, पर मैं चाह रहा हूँ इस पे एक फोटो ले, मतलब ऐसे थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, बिल्कुल कॉफ़ी वाली जैसे मान लो कॉफ़ी पीने बैठे, लेकिन तो चलो किसी का वेट कर रहे हैं ऐसा कुछ, मतलब हाँ जी ठीक है, एक बार इसकी खींच कर जाना मेरे से, बैठो भैया इधर आ जाए भाई। हाँ, ये वाली चेयर अच्छी है, थोड़ा नॉर्मल बेंच है, ज़्यादा गंदी है क्या, चेन में दी भाई लॉक कर रखे ताकि तुम जैसे लोग चुराने लो, चोर कहाँ से, अभी कहाँ से आए हो, यस यस बैठ के वेट करो, ये द पोजर, हाँ अच्छे से साफ किया मेरे को, देखो मैं तो चाह रहा हूँ, हिमांशु देखो, ये तुम्हें शॉर्ट लेना, ये सामने ले जिधर मेरे पैर हैं, जैसे मेरे पैर इधर, तुम इधर शॉर्ट लो ताकि ये पूरा पैर निकल जाए। वी हैव अ वेरी स्पेशल एंड न्यू फ्लैशलाइट, कौन सी भाई, क्या नाम है इसका, गुडोक्स V863 Mark III। डैम, इतनी महंगी फ्लैशलाइट, ओनली अमीर लोग कैन अफोर्ड, देख लो ये है अमीर लोग, ओनली वाली है, ओनली रियल अमीर कैन अफोर्ड। हसते चेहर का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। भैया ये कैसे चलती है ये, भैया ऐसे ये देखो ऑन हो गया, ऑन इससे लाइट भी निकलती है। हाँ ये दिखाऊं, खड़े जाओ वेट करो, चलो फिर इसको सेटअप करो भाई, यहाँ फील आ रही है कनाडा वाली। हाँ ये लोकेशन बहुत मॉडर्न हो गया, कनाडा में भी ऐसे तो कनाडा भी जा रही भाई, हमारी ये छतरी टूट रही, देसी जुगाड़ है ये लो, ये छतरी पिछले 3-4 शूट से टूटी हुई है, मैं चला रहे हैं इसको, फोटो 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 हां वो उसके अंदर भी उतारना, एक और भी है, समबडी प्लीज स्पॉन्सर छतरी, कांग्रेट्स कांग्रेट्स गाइस, वी हैव डन इट, कांग्रेचुलेशंस, या दिस इज अ स्ट्रगल ब्रो, अंदर बाहर दो इसे, एक काम करो लाइट की, देखो लाइट यूज करने के बाद
डैम इतना फर्क पड़ता है लाइट से, बहुत ही नेचुरल लग रही है, लेकिन फिर भी काफी सही इफेक्ट आया, तो हम लाइट से ही खींचेंगे। मतलब ट्रांजिशन। तो दिस इज हमारा आउटफिट नंबर 2, ठंड लग रही है तो लेकिन क्या करते हैं, ट्राई से करते हैं भाई क्लैरिटी। चलो कहाँ खींची फोटो, इसके ऊपर दिखाना। ओके भाई गोवा फीलिंग नहीं पक्का भाई, 100% बात है। कौन सा बढ़िया बताना, कमेंट डाउन, फोटो बाद में खींचो। भाई क्या ही फोटो आ रही है, अरे कोई नहीं मेरे भाई, रो मत क्या ही फोटो आ रही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया इतनी अच्छी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। और तो हमने एक ही फ्रेमिंग ट्राई किया, सामने से भी लेंगे तो इस वाले पे ज़्यादा सही आएगा। आ जाओ भाई, आ जाओ, नाइस नाइस नाइस। नेक्स्ट फोटो आइडिया ये है, यहाँ पे जो बैक लगी है ये बड़ी बैक लगी है, अभी हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया रील वगैरह अपलोड करने में और कुछ क्लिक करने में, ये भाई साहब ने रील बना रहा था। चलो फिर वापस मेरी बार, मेरी खींचने पर फोटो यहाँ पे, यार ये झील आया पर चलो फोटो के लिए कुछ भी। इस ट्रिगर में 2 फ्लैश हो जाते हैं, हाँ मेरे लिए यार मेरे ख्याल से ना हो जाती है, तीनों में बैक लाइट ना रखी, तीन हो जाती है, तीन बैक लाइट ना रखी, ट्राई कर लो केवल लेना फ्लैश, मज़ा आ जाएगा, यहाँ से रिम लाइट बन जाएगी मस्त वाली, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है। नहीं पाजी आया नहीं अब तक, ये धूमल आ गया, तो ये कैसे इसका कैसे सेट करोगे, तो मान लो सी लाइट मारता यार तो फिर नहीं चलेगी, चलो फिर नॉर्मल एक फ्लैश ही खींच लेंगे, एक कौन सा बुरी है ना भाई, और वैसे भी 2 फ्लैश तो बेकार होती है। सही बात, सही मतलब अंगूर खट्टे हैं, सही बात सही बात। भाई क्या ही कलर सारे लाइट की वजह से ना, वो ये फोटो ऐसे करे फिल्टर विल्टर लगा पड़ा पहले से, एडिटिंग की जरूरत कुछ नहीं है। पैक हो चुकी, बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और अंधेरा भी ज़्यादा हो चुका है, छोटा सा शूट था हमारे, अगर ये वीडियो इतनी अच्छी ना बने तो हम इसको थोड़ा और ऐड करेंगे, और दिन छूट पाएंगे। फिलहाल पैकअप, सो दैट इज द वीडियो गाइस, हमारा शूट हो चुका है कंप्लीट, एंड कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी फोटो आ चुकी है, एंड अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, एंड हाँ रात भी हो चुकी है, तो अभी हमें फिलहाल निकलना पड़ेगा घर को, एंड फोटोज ठीक ठाक आ चुकी है। बाकी आपको कौन सी फोटो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, एंड अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय यार, गए नहीं तो यार, बड़े जी बाद में गए नहीं, सब्सक्राइब कर दो फेस के लिए।